भारत में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 3,299 नए केस सामने आए हैं, जबकि 19 मरीजों की मौत हुई है। अच्छी बात ये भी है कि बीते दिन 12,615 मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई। वहीं कोरोना के एक्टिव मामलों की बात करें तो बीते दिन 665 नए मरीज बढ़ गए। फिलहाल देश में कोरोना के 1,42,660 मरीजों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि देश में 16,478 नए केस सामने आए, जबकि 31 मरीजों की मौत हो गई थी। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते दिन नागपुर जिले के जैताला इलाके में स्थित एक निजी स्कूल के 38 स्कूली स्टूडेंट कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 17 जुलाई को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बीते दिन राज्य में कोरोना के 2,186 नए मामले सामने आए, जबकि 3 मरीजों की मौत हो गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का पॉजिटिव रेट बढ़कर 5.94% हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना के 2,649 मामले सामने आए, जबकि 5 मरीजों की मौत हो गई। यहां पॉजिटिव रेट बढ़कर 18.05% हो गया है। तमिलनाडु में कोरोना के 2,316 नए मामले मिले, जबकि 1 मरीज की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में 944 केस मिले और 1 मरीज की मौत हुई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहां पर 498 नए केस मिले और 1 मरीज की जान चली गई। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।